आपके साथ तुलिता सिंह। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। देश में सरकार और किसानों के बीच चल रही लड़ाई में अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के नेताओं के बीच बातचीत में तय हुआ है कि दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत अब 9 दिसंबर को होगी। सरकार ने 9 दिसंबर को फिर बैठक की पेशकश की और किसान यूनियनों से समय मांगा है ताकि आगे की बातचीत के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार किया जा सके। विज्ञान भवन से बाहर निकले किसान नेताओं के मुताबिक केंद्र सरकार का कहना है कि वो उन्हें 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजेगी। उस प्रस्ताव पर किसानों के बीच चर्चा के बाद उस दिन बैठक में हिस्सा लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 10 दिनों से सड़क पर उतरे किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार की 5वें दौर की वार्ता जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत दोपहर 2 बजे शुरू हुई। बैठक शुरू होने के बाद किसान नेताओं ने सरकार से बिंदुवार लिखित जवाब मांगा। किसान नेताओं का कहना है कि हमने पिछली बैठक में जो बातें रखी थी सरकार उनका बिंदुवार लिखित रूप में जवाब दे, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। चर्चा के बीच हुए लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने एक बार फिर सरकार द्वारा किए गए लंच और चाय को स्वीकार नहीं किया। किसानों ने लंच के दौरान अपने साथ लाया खाना ही खाया। इससे पहले भी 3 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों ने सरकारी खाना खाने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे हैं और सरकार से नए कृषि कानून वापस लाने की मांग कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर किसान पंजाब से हैं। इससे पहले शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद किसान नेता हरिंदर पाल लोकमार ने कहा था कि हमने सरकार से गुरुवार को बात की है। हमने साफ कहा है कि तीनों कानून वापस लें। सरकार बिजली कानून और पराली जलाने को लेकर जुर्माना पर मानती दिख रही है, लेकिन हम सभी किसानों को बोलते हैं कि वो यहाँ आए। लड़ाई आर पार की है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों ने 8 दिसंबर यानी मंगलवार को पूरे भारत में बंद का आह्वान किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने के आदेश दिए हैं। किसानों को दिल्ली के सीमा में घुसने से रोकने का आदेश भी दिया है। आदेश में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों को बॉर्डर पर ही रोक कर रखा जाए। गृह मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कटीले तारों वाले बैरिकेड्स को मुख्य हथियार बनाया है। इसके अलावा किसानों के ट्रैक्टर व ट्रॉली को रोकने के लिए जर्सी बैरियर व मिट्टी से भरे डंपर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स के गोल घेरे पर कटीले तार लगवाए हैं। बैरिकेड्स पर एक कटीले तार वेल्डिंग करके लगवाए गए हैं, जिन्हें दिल्ली के सभी बॉर्डर पर लगाया गया है। आपको बता दें कि CAA और NRC के विरोध में हुए प्रदर्शनों के कारण दौरान भी इस तरह के बैरिकेड्स नहीं लगाए गए। इसके अलावा हर बॉर्डर पर 2 से 3 जगहों पर पिकेट लगाकर चेकिंग की जा रही है। नई दिल्ली जाने वाले हर रास्ते पर चेकिंग की जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट्स मिले हैं कि किसान ग्रुप में आकर किसी VIP जगहों या फिर प्रधानमंत्री आवास या केंद्रीय मंत्री आवास पर पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं। इसे देखते हुए शुक्रवार VIP जगहों की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। नई दिल्ली में VIP जगहों की ओर जाने वाले रास्तों पर भी पिकेट लगाकर चेकिंग शुरू कर दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइजर इंडिया को भारत में आपातकालीन स्थिति में कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। भारत में COVID-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से मंजूरी मिलने के बाद ये देश की पहली दवा फर्म बन गई है जो कोरोना वैक्सीन का आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। इस फर्म को अनुमति इसलिए दी गई है क्योंकि इसकी मूल कंपनी ने UK और बहरीन में पहले ही इस तरह की मंजूरी प्राप्त कर ली है। सूत्रों के मुताबिक दवा नियामक को सौंपे गए अपने आवेदन में फर्म ने देश में बिक्री और वितरण के लिए वैक्सीन आयात करने की अनुमति मांगी है। इसके अलावा न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल नियमों के तहत विशेष प्रावधानों के अनुसार भारतीय आबादी पर क्लिनिकल ट्रायल की भी छूट दी गई है। फाइजर इंडिया ने 4 दिसंबर को DCGI को एक आवेदन सौंपा है, जिसमें भारत में अपने COVID-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी की मांग की है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में बुधवार को COVID-19 के खिलाफ फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया था।
जिसमें ब्रिटेन के नियामक दवाओं और हेल्थ केयर उत्पादकों की नियामक एजेंसी ने अपने आपातकालीन उपयोग के लिए एक अस्थायी अनुमति प्रदान की है। ब्रिटिश नियामक ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ 95% सुरक्षा प्रदान करने का दावा करने वाली कंपनी जैब रोल आउट के लिए सुरक्षित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया है। तेजस्वी ने बिहार की एनडीए सरकार को निकम्मी और डरपोक करार देते हुए कहा कि बिहार सरकार ने किसानों के पक्ष में धरना देने के लिए उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। तेजस्वी ने चुनौती दी है कि अगर इस सरकार में दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं, अन्यथा वे खुद गिरफ्तारी देंगे। तेजस्वी ने कहा कि किसानों के लिए वह फांसी पर भी चढ़ने को तैयार है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ पटना के गांधी मैदान में नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग की और लेकर धरना भी दिया था। तेजस्वी ने इस दौरान कहा था कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करने वाले किसान के भले की नहीं सोच सकता, वो कभी भी इंसान और इंसानियत में यकीन नहीं कर सकता। किसान संसद मानव जाति का पालनहार, जो किसान का नहीं वो देश का हितैषी नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा परिषद में 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के दूसरे चरण 36,590 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों को संबोधित किया और उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों से ज्यादा बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के भविष्य की नींव मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश के 59,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 59,000 शिक्षक भर्ती में मामूली विसंगति दूर करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अवसर देते हुए नियुक्ति तो दी जाएगी लेकिन मेरिट में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शुक्रवार को इसका शासनादेश जारी किया। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र मूल अंक पत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम या अधिक भरा था, उनसे अंक पत्र की मूल प्रति प्राप्त कर उन्हें कम या अधिक अंकों के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही यह शपथ पत्र भी दिया गया कि वह कम या अधिक अंक के आधार पर चयन से सहमत है। भविष्य में अधिक प्राप्तांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी GHMC चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। उनकी पार्टी AIMM ने 5 हिंदू प्रत्याशियों को भी मैदान से उतारा था। हैदराबाद सीट से सांसद ओवैसी ने कुल 51 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा था। इनमें उन्होंने 10% आरक्षण हिंदू कैंडिडेट दिए हुए हैं। 5 सीटों पर टिकट दिया गया था। इन 5 में से 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। पिछले चुनाव में महज 4 सीटें जीतने वाली BJP जबरदस्त प्रचार की बदौलत इस चुनाव में 48 सीटें जीती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 अगस्त 2019 में केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए हटा दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके बाद सालों से वैली में राजनीति करने वालों ने इसका विरोध करके माहौल खराब करने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब कश्मीर में हालात काफी सामान्य हो चुका है। इस बीच कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी DDC, पंचायत और स्थानीय निकाय उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। इस दौरान BJP द्वारा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में एक बड़ी राजनीतिक रैली का आयोजन किया गया। रैली में मौजूद विशाल जनसमूह देखा गया। खुद BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो कभी हथियार उठा रहा है और आतंकवाद में शामिल हो गया, उसे एक दिन मरना होगा। आतंकवाद PM मोदी आपको पेन लैपटॉप देंगे, लेकिन जब तुम खुद आत्मसमर्पण करोगे तब देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद बताया है कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बावजूद वह कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए। अनिल विज ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें पहले बता दिया था कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती है, इसके बाद ही कोरोना से उनकी रक्षा हो पाएगी। अनिल विज ने कहा कि वे इलाज के बाद अब ठीक महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि 20 नवंबर को अनिल विज ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन लिया था।
5 दिसंबर को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पहले तो कोरोना वैक्सीन लेने के बावजूद अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर झटके की तरह आई। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। अनिल विज को भारत बायोटेक और ICMR की ओर से विकसित की जा रही थी कोवैक्सीन की डोज दी गई थी। अब खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि कोरोना का टीका दूसरा डोज लेने से लगभग 14 दिन बाद से काम करना शुरू करता है। कोरोना का दूसरा डोज पहले डोज के 28 दिन बाद लगाई जाती है और फिर 14 दिन बाद शरीर एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, तभी कोरोना से सुरक्षा मिल पाती है। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में 45 दिन का वक्त लगता है। इस बीच में वैक्सीन से कोई सुरक्षा नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली NCR में लोगों की सांसों पर संकट आ गया है। दरअसल दिल्ली NCR को हवा दिनों दिन जहरीली होती जा रही है। पराली जलना बंद होने के बाद भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ परिवर्तन नहीं आया, बल्कि दिल्ली की हवा कल से भी ज्यादा जहरीली हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेबसाइट के अनुसार सुबह 9 बजे दिल्ली के प्रमुख 16 इलाकों का AQI जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली की हवा खराब होने का एक प्रमुख कारण वायु की धीमी गति है, जिसकी वजह से प्रदूषित हवा और धूल कण एक जगह जमा हो रहे हैं और प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC Star News। नमस्कार।